बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बेसन की बूंदी बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए एक कप मैंने बेसन लिया है, एक चुटकी हल्दी, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, क्वार्टर टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून नमक और दो चुटकियाँ हमें सोडे की चाहिए और पानी। सबसे पहले बेसन डालेंगे, हल्दी और लाल मिर्च पिसी हुई, अजवाइन और नमक, थोड़ा सा सोडा, इसको मिक्स करेंगे। हमने मिक्स कर लिया, अब पानी से घोलेंगे इसको, अच्छी तरह इसको फेंटना है। इस बूंदी से आप दही बड़े भी बना सकते हैं, आप रायता भी बना सकते हैं, ऊपर चाट के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं। जितना अच्छी तरह ये फिटेगा उतनी अच्छी बूंदी हमारी बनेगी। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। हमारा बेसन फूल गया, मैंने तेल गरम करने रख दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी लाइट चली गई है अभी। ये हमें छन्ना चाहिए, आपके पास अगर कोई बारीक छन्नी हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल मैंने गरम करने रख दिया है, तेल इतना गरम होना चाहिए कि बस हम बूंदी डालें वो ऊपर आ जाए। अब हम अपनी बूंदी डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको पकने देंगे, दस यहाँ टेस्ट करेंगे। ये हमारी बूंदी फ्राई हो गई है। मैं आपको दोबारा डाल के दिखाऊंगी। स्पून लिया, एक डिश का चम्मच डाला इसके ऊपर और इसको करके डाला। दरमियानी आँच पे तला जाएगा, ये फ्राई होगा ताकि क्रिस्पी बने और जले नहीं।
तैयारी हो गई। छान के अच्छी तरह निकालेंगे। ये हमारी बूंदी हो गई है, अब मैं आपको इसको दिखाऊंगी निकाल के। ये हमारी बूंदी तैयार है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। रमज़ान स्पेशल, रमज़ान में बनाए, पहले भी बना के आप फ्रीज़र कर सकते हैं इसको, ठंडा करके दही के साथ इस्तेमाल करें, चाट पे डाल के खाएं, बहुत क्रिस्पी और मज़े की बनी है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए। जज़ाकअल्लाह खैर।